साढ़े पांच बजे इवेंट पे जाना था और साढ़े पांच बजे आंख लग गई बट साहब की। क्या करते हैं इवेंट पे? मसले कोई नहीं बाजी, आप बेफिक्र हो। बहुत जबरदस्त लगा करते हुए काम करते हुए और बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। निरान का खान जा रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बत्ती चली गई है, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। मैं इस टाइम रोड पे खड़ा हूँ। आज हम जा रहे हैं जी अपने एक दोस्त की एंगेजमेंट कवर करने। बाकी अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जी शालामार के सामने। बड़े ही प्यारे भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, फजील भाई, जिनको आप मेरे साथ देख चुके होंगे कश्मीर वाले व्लॉग में। उनसे हमने बस एक लाइट पकड़नी है, वो आ रहे हैं बस लाइट ले कर। हम यहाँ से लाइट पकड़ेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे जी सीधा अली भाई की तरफ। अली भाई को चुकेंगे उधर से और फिर वहाँ से निकलेंगे जोर टाउन, क्योंकि इवेंट जोर टाउन में है। और 6 बज चुके हैं और मैं लेट हो चुका हूँ। उम्मीद है वो आ जाएंगे, पास से ही आना है उसने। मौसम बहुत ही कमाल का हुआ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड का पहला एहसास मुझे छू चुका है। लेट आ गया और मुझे लेट करा दिया इसने। साढ़े पाँच बजे इवेंट पे जाना था और साढ़े पाँच बजे आंख लग गई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये अपना है मुझे फटाफट। ये ले। देखिए फिर अब मैं निकलता हूँ। ओके जी, आपसे फिर मुलाकात होती है। कल बाय बाय कर दे। हाँ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैं लेट हो गया, ये अपने इवेंट पे जा रहे हैं, मैं अपने पे जा रहा हूँ। हाय बिल्कुल जरूर। ओके बाय, लेट हो गया भाई, ठंड भी बड़ी है आज। यार हम पहुंच गए इवेंट पे, ठीक है। अभी मैंने अपना सामान भी नहीं उतारा। देखे मैंने कहा पहले आप लोगों को बता दिया जाए, ये ना हो आप लोग नाराज़ हो जाए मेरे से। ये एंगेजमेंट का इवेंट है, छोटा सा लेसिंग हॉल है, उसकी बेसमेंट है, मतलब ओके कोई मसला नहीं भाई। बाकी अभी मैं उसको बताता हूँ, जिसका ये इवेंट है वो मेरा दोस्त ही है, उसको ज़रा ये भेजते हैं हम ज़रा। उसने कहा था कि वो हॉल वाले खुद ही कर देंगे कुछ ना कुछ अरेंज, तो अब मैं उसको दिखाता हूँ कि यार खुद ही जो करता है ना वो फिर ऐसा करता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल हो गया। बट कोई नहीं, तो मैं उसको भेजता हूँ। 7 बज गए, हम पहुँच गए और लेवल की ड्राइविंग करके पहुँचे। ठंड बढ़ गई है भाई, मैं अपना सामान निकालता हूँ, रेडी शेडी करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। कि आप हमने सारा कुछ सेटअप तो कर लिया, तो आप ये देख रहे हैं इधर आओ ना, इधर आओ, सामने आओ, सामने। बस बस ओके ओके, रेडी, पोज मारो जरा। अच्छा था पोज मारो यार, मुझे पोज था ज़्यादा। उधर देखते हो आप, उधर नहीं देख रहे? हाँ थोड़ा सा इधर। तो अब हम ये ज़रा करने लगे हैं। नीचे क्यों देख रहे हो, ऊपर देखो, ज़्यादा हो गया थोड़ा उधर। कम आई बॉल मूव करो ना इधर को, ये ये देखें खवातीन उधर। दिखाएं ये देख, यार मैं माड़ा माड़ा लग रहा हूँ। जो बिल्डर दिखाओ। हाँ मैंने तो वो बात कर दी है, वो जो आंटियाँ कहती हैं मुझे स्लिम दिखाए पिक्चर में। अच्छा मैं ना नहीं बात सुन, मसले कोई नहीं बाजी, आप बेफिक्र। यार अभी हम इंतजार करते करते साथ सब पिक्चर शिक्चर कर रहे हैं भाई, इन्हें का जरा सेटिंग भी इस बात हो जाती है। और हमारी पिक्चर भी आ जाती है जस्ट लाइक दैट। है ही ना, नहीं अच्छी है। पागल फटोला बना। नाइस नाइस, तू तुझे मंग नहीं है मेरे को। तो मैं देर गया, कोई तुम काम कर लो, कोई का तुझे गल्ला ही करी। मैंने चादर उठा ली, ये देख ये ऐसे पड़ी हुई, उसको ऐसे कर दिया। ओह वेरी नाइस। अच्छा भाईजान इवेंट तो सारा कवर हो रहा है, ठीक है, पर एक बंदे से तो मैं आपको मिलवाने भी भूल गया, जिसको मैंने आपको बताया कि दोस्त की एंगेजमेंट है।
तो भाई जान दोस्त कहाँ है, दोस्त नहीं आया अभी तक। तो ये रहे जी माशाल्लाह चेक करें जरा। याया भाई, भाई का नाम याया, तो याया भाई अपना तो इंट्रोडक्शन करा दो। मेरा नाम याया है, मैं अदी का यूनिवर्सिटी से दोस्त हूँ। हाँ जी बिल्कुल, एंगेजमेंट में फोटो शूट करने आए। हाँ जी बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए सर। तो बाकी इनको बड़ी मुबारकबाद देते हैं हम भी, आप भी कमेंट्स में इनको मुबारक दें और अल्लाह इनकी ज़िंदगी और खुशियों भरी करे। खुश है ना। खुश है लाल लड़का, बहुत खुश है। तो कह रहा अब हम इनका फाइनल फोटो शूट कर रहे हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। कैसा आपको फील हुआ या भाई हमारा काम भी देख के, मतलब अभी देखा तो नहीं आपने? देखा तो नहीं, लेकिन वैसे आपको कैसा लगा? वैसे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। करते हुए काम करते हुए और कितने दफ़ा आपने फुल रसगुल्ला खाया, ज़रा ये बताया मुझे। 6 से 7 दफ़ा तो खाया होना है कम से कम। कैसा फील हो रहा? पहले 2-3 तो खाए गए, लेकिन उसके बाद मुश्किल ही अंदर की है। अभी शादी में बेटा क्या हाल है तेरा? तो और ज्यादा बेटा तू क्या, हमें इजाजत चले तो रोके करे। अब बाहर हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश, ठीक है। तो अली भाई को मैंने कहा यार ठंड बड़ी हो रही है, कहता टेंशन ही कोई नहीं मैं चलाऊँगा बाइक। जैसे ही मैंने कहा यार अली भाई जहाँ से बाइक निकालनी है उसके आगे इतना बड़ा तालाब लगा हुआ है, बाइक निकाल लो। तो अली भाई कहते जा बाइक निकाल के ला। भाई ये खुद जा रहे थे मैं चला लेता हूं। पर टेंशन नहीं, मुझे इसका खुफिया रास्ता पता। देखे हम भेदी हैं जगह जगह के, वापस घर की तरफ। और भैन जी बराज साढ़े च बड़ी जा रही, बड़ी जा रही, बच गए। ये देखे हमारी प्रोटेक्शन चेक कर रहे हैं हम, ठंड भी कोई देखो झूठी निकाली अरे भाई ठंड तो नहीं लग रही, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। नारायण का खान जा रहे हैं यार, चाहता कि सर्दी आ गई है भाई, हो गया मैनू 18 दिन सर्दी आ गई है, मैनू हो गया सब कुछ टेंशन लेनी जैकेट सीट पे रोल पुआया सी। हां जी सोदिया तो पुआ के आए अली भाई को भी उतार दिया हमने यहां पे उनके घर पे। ठंड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमने बैग को आगे पहन लिया ताकि हमें ठंड न लगे, और बाकी जो कुछ सामान था वो हमने अली भाई को पकड़ा दिया क्योंकि कल हमने फिर मिलना है। तो मैंने कहा कल पकड़ लेंगे, कर इंतज़ाम करके आएंगे ठंड से बचने का, आज तो अचानक ही ठंड हुई है। तो खैर ओके, अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।